आप लोगों ने जो स्वागत किया है, आदरणीय हुजूर साहब ने जो आशीर्वाद दिया है, उसके लिए हम बहुत आभारी हैं। और कबीर पंथ से जुड़ाव हमारा बचपन से ही है। मैं जिस गांव का रहने वाला हूं, बगिया, वहां भी बहुत संख्या में कबीर पंथ के लोग हैं। आसपास के सारे गांव में कबीर पंथ के लोग हैं। और बगिया में आपसे पहले वाले गुरुजी परम पूज्य गृंद मुनि नाम साहेब, उनका पदार्पण हुआ था। और एक रात वहां बगिया में उनका विश्राम भी हुआ था। और आज मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से विधायक हूं, कुनकुरी, वहां भी कबीर आश्रम है और वहां भी आदरणीय प्रकाश मुनि नाम साहेब का पदार्पण वहां पर हुआ है। तो इस तरह से बचपन से ही हम कबीर पंथ से जुड़े हुए हैं, बराबर चौका आरती में शामिल होते रहे। और हमको लगता है कि इस मेला महोत्सव में हमारे गांव से भी आए होंगे, बगिया से कोई आए हैं, आए होंगे, कहीं ना कहीं किनारे में होंगे ही। हमारे बगिया में भी महंत और दीवान, हाँ, ये सब हैं, सब आते हैं, बराबर मेला में आते हैं। तो ऐसा हम भाग रहा है। और आज हम तो यहाँ पर कोई भी मुख्यमंत्री बना है तो यहाँ पर आया है। और आज मुख्यमंत्री के नाते ही हम पूज्य हुजूर साहब से आशीर्वाद लेने आए हैं। एक छोटा सा गांव का एक किसान का बेटा आज भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री जैसा दायित्व दे दिए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का मुख्यमंत्री का दायित्व दिए हैं। तो इतना जो गुरुतर ये दायित्व है, ये चुनौती भरा ये दायित्व है, इसको निभाने के लिए आज हुजूर साहब का आशीर्वाद हम लेने आए हैं। और सभी कबीर पंथियों का आशीर्वाद लेने आए हैं, ताकि छत्तीसगढ़ की जो 3.75 करोड़ जनता है, जिस विश्वास के साथ मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया, मोदी जी पर विश्वास किया और पिछले विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक विजय दिलाए, इसके लिए भी आप लोगों को धन्यवाद। और आप सब लोगों का आशीर्वाद चाहिए, आप सब लोगों का मार्गदर्शन चाहिए, ताकि छत्तीसगढ़ के 3.75 करोड़ लोगों के विश्वास में खरा उतर पाए। और दामाखेड़ा, ये धर्म कबीर नगर और हुजूर साहब का लगातार आशीर्वाद हम लोगों को मिलता रहा है। और सरकार में रहकर कुछ सेवा का भी प्रयास हम लोग बराबर करते रहे हैं, लेकिन आज के इस अवसर में दो आग्रह आदरणीय हुजूर साहब ने किया है। एक तो ये यहाँ का नाम दामाखेड़ा है और ये इतना पवित्र ये धरती है, दामाखेड़ा, तो निश्चित रूप से दामाखेड़ा के पहले कबीर धर्मनगर जुड़ेगा तो बहुत अच्छा होगा। तो आज हम इसकी घोषणा करते हैं, आगे चल के दामाखेड़ा का नाम कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा होगा, ऐसा सरकारी दस्तावेज में भी और दूसरा आग्रह आपने किया है कि इस कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा के 10 किलोमीटर रेडियस में कोई भारी उद्योग नहीं लगे, तो मैं हुजूर साहब को आश्वस्त करना चाहूंगा कि निश्चित रूप से इस पर हमारी सरकार विचार करेगी और हम आपको अवगत कराएंगे सरकार के निर्णय से।
क्योंकि कुछ इसका रहता है तो अकेले मैं आज बोल पाने में समर्थ नहीं हूं, लेकिन इतना आश्वस्त रहिए कि आपके अनुरूप ही सरकार का काम आगे बढ़ेगा और आपकी जो मंशा है उसके अनुरूप ही हमारी सरकार काम करेगी। आज चूंकि हमको मैनपाट महोत्सव का भी शुभारंभ करना है, आज तो हम सिर्फ आप लोगों के दर्शन के लिए आए थे, हुजूर साहब के दर्शन के लिए आए थे, आशीर्वाद लेने आए थे, इतना ही काम था। इसलिए मैं फिर से एक बार आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हुए और हुजूर साहब से ये निवेदन करते हुए कि आपका हमेशा आशीर्वाद मार्गदर्शन हम सब लोगों को मिलता रहे, इसी विश्वास के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।